हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेरा नाम है गौरवन आप देख रहे हैं वेब डेल्पेंड विद गौरव और आज की जॉब डेट की वीडियो में लेकर चुका हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए फर्स्ट जो कंपनी है ये है स्टार्टअप दिस बेसिकली फॉर फ्रेशर ऑल्सो तो ये कंपनी है बैनजू और अपना आपको सुना ही होगा इट इज़ अ काइंड ऑफ एटेक कंपनी जो कि बेसिकली मैथ्स वगैरह पढ़ाती है तो और हम इसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा जो सेकंड कंपनी है वो है डेलॉइट जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपर की ओपनिंग निकली और ये बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए है बट नॉट डेट कि आपको पाँच छः साल एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इफ़ यू हैव एटलीस्ट टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो दो साल लिखा हुआ तो मान के चलो रहा अगर आपको डेढ़ साल भी अगर आपने काम कर रखा है स्टिल यू कैन एबल टू अप्लाई इन दैट अदर देन दिस एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो कोई ऐसा लिखा नहीं है कि आप मतलब कहीं पे कि जहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हो फ्रेशर अप्लाई ही नहीं कर सकते ट्राई करना चाहिए जो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ तो स्पेसिफिकली जो यहाँ पे मैंशन है ये आप करो दिस इज़ एलिजिबल फॉर फ्रेशर दिस इज़ देर इज अ बार ऑफ टू ईयर बट स्टिल आई वुड प्रीफर कि आपको एक अप्लाई ही करना है तो अप्लाई कर दो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो दोनों में बात करने वाले हैं कैसे आप अप्लाई करोगे आपका रिज्यूम कैसे बनेगा क्या सैलरी होनी चाहिए सब कुछ इन डिटेल बात करने वाले तो बिना ही देरी के आज की इस वीडियो करते हैं शुरू सो फर्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है फ्रेशर जॉब के लिए है जो है बैंसो कंपनी तो पहले मैं प्रोफाइल देख सकता हूँ लेकिन के अंदर ही तो ये रहा प्रोफाइल इनका सो इट्स बेसिकली अटेक कंपनी हु बेसिकली फोकस ऑन द मैथ थिंग फॉर स्टूडेंट्स ग्लोबली सो so, यहाँ पर जो ओपनिंग के लिए है वो है फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए जो यहाँ पे आपका डिटेल्स मांगी गई है सो यू शुड हैव अ नॉलेज इन रिएक्ट जो चावर के एच जी मतलब एक बेसिक फ्रंट एंड लैंग्वेज जो कि हर कोई कंपनी मांगती है वो यहाँ पे डिमांड की गई है उसके अलावा रिस्पॉसबिलिटी में वही डिज़ाइन डेवलप एंड देन यू शुड नो लाइक हाउ बेसिकली द होल फ्लो ऑफ डेवलपिंग अ वेबसाइट वर्क सो ये चीज़ें बेसिक जो होती है आपको अगेन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ईजी अप्लाई ये एक अलग चीज़ है मतलब यहाँ पर अपना आप रेज्यूमे नहीं डालोगे आपका लिंक प्रोफाइल ही डायरेक्ट जाएगा बट हाँ मे भी आपको ये रिज्यूम अटैच करने के लिए बोल सकते हो तो वहाँ भी आपको रिज्यूम अटैच कर देना चाहिए बट उसके अलावा भी लिंकडिन प्रोफाइल जाती है तो ये मेक श्योर sure करना ईजी अप्लाई करने से पहले आपका लिंकिन प्रोफाइल अप टू डेट हो दैट्स द मेन रीज़न कि आपको मे भी कई बार रिस्पॉन्स नहीं आएगा वापस अगर आपने अपना लिंक अपडेट ही नहीं कर रखा तो तो एक तो ये कर देना सेकंड जो रिज्यूम है तो दिस इज़ रिज्यूम टेम्पलेट अब चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं तो आप सेम रिज्यूम यूज़ कर सकते हो बस आपको एज अ एक्सपीरियंस पर आपको बस कॉन्टेंट चेंज करना है फॉर्मेट uh, सेम रहेगा एक्सपीरियंस टॉप पे प्रोजेक्ट नीचे इन एंड लेफ्ट साइड में बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप फ्रेशर हो तो आपका एक्सपीरियंस सेशन हट जाएगा आपका प्रोजेक्ट सेक्शन ऊपर चले जाएगा जिसमें बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम इन बुलेट पॉइंट्स की तरह लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करो आपने कैसे बनाया है क्या क्या टेक्चर यूज किया है और जो डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो वो करो जिससे आपका वेटेज ही बढ़ेगा उसके अलावा मेक श्योर आपके सारे रेज्यूम जो सॉरी नॉट रेज्यूम आपके सारे प्रोजेक्ट जो है वो गेट में होस्टेड हो और यहाँ पे इनके लिंक्स जरूर डालना ताकि साउंड करे रहे या यू आर टेक्निकल का है सो वंस यू डन विद ऑल दीज थिंग्स यू आर गुड टू अप्लाई इन दिस कंपनी इसके अलावा एक चीज़ और बता दूंगा यार एज अ एक्सपीरियंस और एज अ फ्रेशर इफ़ यू वांटेड टू ग्रो योर करियर आपको लगता है कि गाइडेंस की कमी आ रही है सो डोंट वरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दिया हुआ दैट इज द फुलटेप एंड कोर्स बाय न्यूटन स्कूल जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस ए टू जेड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड प्रोजेक्ट लेके डीएसएस से लेके हर चीज की गाइड करी जाएगी और जानने के लिए लिंक क्लिक करो नाम ई मेल फोन लेकर ड्रॉप कर दीजिए यू विल गेट अ फ्री काउंसलिंग कॉल फ्रॉम स्व स्कूल इन डिटेल उनके साथ बैठ के पूरी बात करो एंड देन इन एनी कोर्स विच इज सुटेबल फॉर यू सो लेट्स बैक टू द वीडियो सो यहाँ पे आपको बेसिकली जो पैकेज की बात करूँ तो देखो तो स्टार्टअप तो है स्टार्टअप में पैकेज आपको एक एवरेज माने चलो आपको चार से आठ लाख के बीच में तो कहीं नहीं गया मैं ऐसा फ्रेशर की बात कर रहा हूँ अगर आपको एक्सपीरियंस की तरह अप्लाई कर रहे हो तो आपको हंड्रेड परसेंट पैकेज यहाँ पे आराम से मिल जाएगा बट अप टू एक बार कह सकते हो कि है बारह से पंद्रह लाख तक का आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो बट अगेन दिस इज एप्सुल स्टार्टअप uh, और मेरा इसमें कोई ऐसा कॉलेग नहीं जिसके साथ मैं बैठ के मतलब जिससे उन्हें डिस्कस किया हो क्योंकि बाकी किसी कंपनी जो मैं पहले लाता हूँ तो वहाँ एक दो कॉलिंग निकल जाते हैं तो उनसे मुझे एवरेज पता चल जाता है सैलरी का बट अनफॉर्चुनेटली इस पर नहीं तो आप ग्लासोर एमिशन बॉक्स इसमें भी चेक कर सकते हो जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको एक्सप्राजेट कंपनी जिसमें भी अप्लाई करना है ग्लास स्टोर देख लो एमिशन बॉक्स देख लो उसके अलावा एक करच बेस करके साइड होती है जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल चलते हैं कंपनी के बारे में उसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं कंपनी बारे में और पता करने का कि कल्चर कैसा है चीज़ें क्या है चल रही हैं तो उसके अलावा बस कनेक्ट करो एम्प्लॉयज के साथ एंड सिंपली आज द फीडबैक अबाउट द कंपनी अब बात करते हैं कैसे आप अपने चांसेस बढ़ाओगे टू गेट अ कॉल बैक फ्रॉम दिस कंपनी तो नीचे देख सकते हो कि जो हायरिंग कर रहा है उसने उस पोस्ट करी उसका नाम नीचे आ रहा है सिंपल मैसेज में क्लिक करो एंड ड्रॉप अ मैसेज पसनलाइज मैसेज कि हे जॉब ओपनिंग वुड बी ग्रेड इफ यू गिव मी अ चांस एंड ऑल तो ये आप अगेन चैट जीपीटी यूज़ करके प्रॉपर एक टेम्परेड मैसेज बनवा सकते हो एंड सेंड इट आउट अ ग्रेट आप बहुत बढ़िया वर्क करेगा ये चीज़ अब इसके अलावा बात करते हैं सेकंड कंपनी है अब मैंने पैकेज अब पैकेज बता दिया आई थिंक आपको तो हर डिटेल दे चुका हूँ उस कंपनी के बारे में अगर आपको कर, अप्लाई करना तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सेकंड जो है ये डेलाइड है डेलाइड यू ऑल नो इज वन ऑफ द टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी तो नॉट प्रोडक्ट बेस्ड वेंजो जो है ये आपका है प्रोडक्ट बेस्ड बट डेलॉयट इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी सो वैसे अगर इसकी डिटेल्स हम बात करें तो पर। ये बेसिकली आपका गेन योर डेल्पर की बट ये लीड पोजिशन इसलिए मैंने कहा था कि मे बी आपको एज अ एक्सपीरियंस ही अप्लाई करना चाहिए और यहाँ पे एक अपडेट है कि दिस इज नॉट फॉर टू टू थ्री ईयर्स यहाँ पर कम से कम आपको चार से पाँच साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो दो से तीन साल एक्सपीरियंस वाला था वो जॉब एप्लीकेशन बंद हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी जस्ट चेक करा क्योंकि पहले दिख रहा था बट अब वो आ रहा है कि एप्लीकेशन नॉट टेकन तो आई थिंक दैट स्लॉट इज कम्प्लीटेड सो अब ये स्लॉट अवेलेबल है जिसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए सो आई नो बट डोंट वरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको मिड एक्सपीरियंस लेवल की भी ओपनिंग निकलेगी बट अगेन अगर आपने से कोई जिसको चार पाँच साल एक्सपीरियंस है तो अगर वो अप्लाई करना चाहते तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डिटेल सारी मैं बता चुका हूँ आपको पैकेज की अगर ये बात करूँ तो पैकेज दिस इज़ फॉर अ सीनियर पोजिशन तो अगर आपका अभी सैलरी लैसे पंद्रह लाख के आसपास का तो आप हंड्रेड परसेंट पैकेज आराम से मान सकते हो आपको पच्चीस से तीस लाख रुपये इजिली मिल जाएगा अगन देट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन योर नेगोजिशन स्किल्स Uh, कई लोग कहते हैं सर्विस पैसा नहीं देती वो सच्चाई है नहीं देती बट दैट्स स्पेशली फॉर फ्रेशर अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा एंड जो पैकेज इज प्रेडी गुड सो आपको पैकेज अच्छा मिल सकता है आपको 100 परसेंट पैकेज ही मिल सकता है दैट्स टोटली ऑन यू की आप अपना नेगोशिएशन कैसे करते हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस आई होप द वीडियो यूजफुल फॉर यू वीडियो पसंद तो मेक श्योर द लाइक बटन और ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं अपनी अगली वीडियो टोली गुड बाय टेक केयर